हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ये छुई मुई प्लांट के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, इसके कई नाम होते हैं। जैसे नॉर्मल मैं तो सब जगह हम इसको छुई मुई भी बोलते हैं, लेकिन इसको नॉट टच मी इंग्लिश में बोलते हैं, और मिमोसा पोडिका भी इसका नाम है। कई जगह इसको लाजवंती भी बोलते हैं। तो इसको लगाना बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत ही मैजिकल सा प्लांट है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये प्लांट। खासकर उसी ने मुझे कहा था कि मम्मा ये नॉट टच मी लेके आओ आप। तो मैं इसको नवंबर में लेके आई थी, छोटा सा प्लांट नर्सरी से, 20 रुपये का। तो बड़ा ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही पसंद आता है ये बच्चों को, बड़ों को। तो हम भी बचपन में इस प्लांट से अक्सर ऐसे ही खेलते थे। ये देखिए, तो ये देखिए इसके कितने सुंदर फ्लावर आते हैं, पिंक कलर के छोटे छोटे से। और ये फ्लावर सिर्फ एक ही दिन चलते हैं, और उसके बाद ये मेरे प्लांट पर बहुत सारे सीड तैयार हो गए हैं। देखिए हर जगह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी केयर की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमें बाकी प्लांट के लिए बनाते हैं वेल्ड एंड सॉइल, ऐसे ही हमें इसकी सॉइल तैयार करनी है। 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो ऐसे आपको वेल्ड एंड मिट्टी तैयार करनी है इसकी, और थोड़ा सा बड़े पॉट में इसको लगाना है। ये देखिए, मेरा तो ये 8-9 इंची का पॉट है, मैंने इसमें लगाया है। वेल्ड एंड मिट्टी आप इसकी तैयार करें। और ये देखिए, इसकी स्टेम नीचे तक, पूरी नीचे तक, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। ये देखिए, पूरा प्लांट ऐसे हो गया है, झाड़ी नुमा सा नीचे को लटकती हुई। बड़ी अच्छी लगती हैं ये, और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर लगते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे नन्हे नन्हे से पिंक कलर के। तो आप इसकी वेल्ड एंड मिट्टी तैयार करें, और पानी इसको देख लें, मिट्टी में की में मॉइस्चर बना रहे, लेकिन पानी खड़ा ना हो। तो डेली आपको वाटरिंग तो डेली करनी है समर में, लेकिन आप इसकी मिट्टी चेक कर लें, तब इसमें पानी दें। और पानी अगर नहीं होगा ना इसमें, तो इसकी पत्तियां अपने आप ही नीचे को झुक जाती हैं। ये देखिए, तो इसको नॉट टच मी इसलिए भी बोलते हैं। ये देखिए, छूने से ही ये बिल्कुल बंद हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ। और ये देखिए, और अगर हम इसकी स्टेम को भी छू देंगे तो स्टेम भी नीचे को लटक जाती है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए। तो इसमें एक, इसकी पत्तियों में एक लिक्विड होता है जो कि छूने से ही वो निकल जाता है। तो इसलिए इसकी पत्तियां ये ऐसे बंद हो जाती हैं, और वो करीब 8 या 10 मिनट में वापस ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं उस लिक्विड को। तो फिर वापस अपने आप ही ये फिर खुल जाती हैं। तो ऐसा होता है ये। ये देखिए, वो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता इसको टच करने से इसको कोई नुकसान होता होगा। ऐसे हमें इसको पानी देना है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम इसकी प्लेस की बात कर लेते हैं। तो आप तेज, जो समर में जो तेज धूप होती है, उस तेज धूप से आप इसको बचाएं। मई जून की गर्मी में आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें, और वैसे ही इसको 3 या 4 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। हाफ डे सनलाइट में रखते हैं, मॉर्निंग की, दोपहर की इसको सनलाइट, तेज वाली जो सनलाइट होती है वो न मिले। इस समय मैंने तो इसको टेरिस गार्डन पर रख रखा है अपने, फुल सनलाइट में, क्योंकि कभी कभी धूप छाएं होती हैं। अब इस समय तो मानसून चल रहा है, तो ऐसे आप इसको ऐसी जगह रखें। और विंटर में फ्रेंड्स, आप इसको जहां आपके फुल सनलाइट आती हो, ऐसी जगह आप इसको विंटर में रखें। बस आसानी से, थोड़ी सी केयर से ये परमानेंट प्लांट है, आसानी से ये चलता रहता है। और काफ़ी मात्रा में ये देखिए सीड इसके तैयार होते हैं। मैं इससे बहुत सारे प्लांट बना लूँगी इसके, और कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। आप इसकी छोटी सी आप कटिंग ले लीजिए कहीं से भी, ऐसे
तो कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है और सीड से भी। तो इस समय आप नर्सरी से इसको ला सकते हैं, ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं है, 20 या 30 रुपए में आराम से आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर गांवों में जंगलों में ये प्लांट देखने को मिलता है, तो हार्डी सा प्लांट है, ये अपने आप को सहन कर लेता है। बस आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें और बस चलता रहता है। और सीड से आप फ्रेंड्स इसको लगाएं तो फरवरी में आप इसको सीड से ग्रो करें, तो ये आसानी से इस समय भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फरवरी में आप इसको सीड से ग्रो करें। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको ऐसी कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सितंबर और फरवरी में मैं सभी प्लांटों को अच्छे से खाद देती हूँ, तो इसमें भी थोड़ी सी खाद दे देती हूँ। बाकी वैसे मैंने इसको कोई ऐसी खाद दी नहीं है जब से मैं लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत ही 1 चम्मच इसमें मैंने डाली होगी बस। तो अपने आप ही ये जो मैंने मिट्टी तैयार की थी उसी में ये चल रहा है। और पेस्ट अटैक तो फ्रेंड्स इसमें मेरे प्लांट पर तो नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर पेस्ट अटैक होता होगा। और ये देखिए इसकी इसकी स्टेम में ये कांटे भी होते हैं, देखिए। तो आप इसको सीड से ग्रो कर लें या फिर कटिंग से, इस समय कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो होप है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।